भाई तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी में होते हैं 206 बोन्स, और भाई आज के दिन हम लोग फ्रैंकलिन के सारे बोन्स को तोड़ने वाले हैं। रुको भाई, मैं जो है तुम्हें एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ। तो भाई तुम लोग देख सकते हो कि हमारी सारी बोन्स सही सलामत है और अब हम लोग इसे तोड़ने वाले हैं। और ये देखो यार, हमारी 9 बोन्स टूट चुकी है, मतलब भाई हमारी 9 बोन्स में अब फ्रैक्चर हो चुका है। रुको भाई, मैं जो है और बोन्स तोड़ के दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम लोग कूदते हैं और ये देखो यार 18 बोन्स और अब 36 बोन्स। तो भाई तुम लोग देख सकते हो कि अब फ्रैंकलिन की 36 बोन्स में फ्रैक्चर है। और भाई हमारा गोल ये है कि हमें फ्रैंकलिन की सारी 206 बोन्स को तोड़ना है। तो भाई हमें अपनी सारी बोन्स को तोड़ने के लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स से कूदना होगा। तो भाई सबसे पहले हम लोग जो है इस खतरनाक मेज बैंक टावर से कूदने वाले हैं। और भाई जैसे जैसे हम लोग बिल्डिंग्स से कूदते जाएंगे, हमारी उससे भी ऊंची बिल्डिंग्स अनलॉक होते जाएंगी। तो चलो हम लोग यहाँ से अपनी हड्डियों को तोड़ना चालू करते हैं। और नहीं यार, हम लोग इसमें पैरासूट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। और भाई तुम लोग देख सकते हो यार, हमारी हड्डियाँ भयंकर टूटने वाली हैं। और भाई ये देखो यार, हमने 80 बोन्स को ब्रेक कर दिया है और भाई हमारी इससे भी ऊंची बिल्डिंग अनलॉक हो गई है। तो भाई हमारी जो है मेज बैंक टावर से भी ऊंची बिल्डिंग अनलॉक हो चुकी है। और भाई तुम लोग देख सकते हो यार, ये बिल्डिंग तो एकदम बादलों तक जा रही है। तो चलो यार, अब जल्दी से हम लोग इस बिल्डिंग से भी जंप करते हैं और अपनी सारी की सारी हड्डियों को तोड़ते हैं। लेकिन भाई ये भी दिक्कत है कि हम लोग इतने ऊंचे बिल्डिंग पे चढ़ेंगे कैसे यार। और भाई ये देखो यार, मैंने नाम लिया और यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर खड़ी हुई है। तो चलो हम लोग जल्दी से इस हेलीकॉप्टर को ले लेते हैं और इस बिल्डिंग के एकदम टॉप पे चलते हैं। तो चलो यार, यहाँ पे मैंने इसे टेक ऑफ कर लिया है और अब जल्दी से हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। भाई तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग जो है जमीन से कितना ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। और भाई हमें थोड़ा ऊपर और चलना है। और भाई यार, ये चढ़ान काफी ज्यादा भयंकर है यार। और भाई ये क्या यार, मेरा हेलीकॉप्टर तो इस बिल्डिंग के बहुत पास आ रहा है यार। अरे नहीं, ये फटने वाला है। ओ भाई साहब, हमारा हेलीकॉप्टर तो ब्लास्ट हो चुका है। हमें जल्दी से इस हेलीकॉप्टर से बाहर निकलना होगा। और भाई यार, मुझे ये वाला टावर दिख रहा है, तो हम लोग जो है इस टावर पे लैंड करते हैं। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पे पैरासूट का यूज कर ले रहे हैं, लेकिन भाई हम लोग आगे नहीं यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी से लैंड करते हैं, आराम से आराम से। ओके भाई, तो हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं। और भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग जो है माइकल से कह के यहाँ पे दूसरा हेलीकॉप्टर मंगा लेते हैं। चलो यार, तो हमारा दूसरा हेलीकॉप्टर आ चुका है और भाई अब हमें सबसे ऊपर चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग जो है इस बिल्डिंग के एकदम टॉप पर पहुंचने वाले हैं। और भाई साहब यार, तुम लोग नीचे देखो यार, नीचे तो हमें सिर्फ बादल और पानी ही दिखाई दे रहा है। तो चलो कोई नहीं यार, हम लोग जो है इस बिल्डिंग पे उतरते हैं। ओके, आराम से हमें उतरना होगा। और भाई मुझे लगता नहीं कि हम लोग इतनी छोटी जगह पे लैंड कर पाएंगे। चलो यार, हम लोग क्या करते हैं कि इस हेलीकॉप्टर को यहीं छोड़ते हैं और हमें बस इस पे लैंड करना है आराम से। भाई हम लोग जो है फिर से दूसरी हेलीकॉप्टर लेके यहाँ पे आ चुके हैं और भाई इस बार तो हम लोग पीक पे चढ़ के ही रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये टॉप आ चुका है और अब हम लोग जल्दी से यहाँ से कूदते हैं और इस बार हम लोग जो है पैरासूट का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। आराम से भाई, इस बार हो जाना चाहिए। और भाई ये देखो यार, यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं और भाई अभी तक हमारी एक भी हड्डियाँ नहीं टूटी हैं। लेकिन भाई अब हम लोग बहुत भयानक बोन्स को तोड़ने वाले हैं। लेकिन भाई उससे पहले तुम लोग यहाँ नीचे का व्यू देख सकते हो। आराम से यार, हम लोग नीचे ना गिर जाएं। भाई तुम लोग इधर की तरफ देख सकते हो कि हमें तो अच्छे से शहर भी नहीं दिखाई दे रहा यार। तो चलो यार, अब हम लोग इस भयानक जगह से कूदने वाले हैं, वो भी बिना किसी पैरासूट के। और भाई साहब यार, इस बार तो बहुत भयंकर हड्डियां टूटने वाली हैं। भाई तुम लोग देख सकते हो यार, अपने फ्रैंकलिन का क्या हाल हो रहा है। ओके, तो हम लोग बस टकराने वाले हैं। और भाई तुम लोग देखना कितनी बोन्स टूटती हैं। और ये देखो यार,
ओ भाई 150 बोन्स टूटी हैं यार। भाई तुम लोग देख सकते हो कि पूरी 150 बोन्स टूटी हैं, मतलब भाई अभी भी हमारी काफी बोन्स बची हुई हैं। तो चलो यार कोई बात नहीं, अभी भी हम लोग इस बिल्डिंग के काफी ज्यादा ऊपर हैं और भाई इस बार हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर से कूदने वाले हैं। तो चलो यहाँ से कूदते हैं, 3, 2, 1 और ओ नहीं नहीं नहीं, एक बोन टूट चुका है, दूसरा बोन टूटा और भाई ये देखो यार क्या गोल गोल नच रहा है अपना फ्रैंकलिन। भाई यार पूरा चक्कर लगा ले रहा है ये फ्रैंकलिन। और भाई इस पर फिर हम लोग जो है इधर टकराएंगे क्या? ओके तो शायद से हम लोग फिर से यहाँ पे टकराने वाले हैं और भाई इस बार देखते हैं कि हमारी कितनी बोन्स टूटती हैं। ओके और ये देखो यार 180 बोन्स टूट चुकी हैं यार, बस थोड़ा सा बोन्स और टूटेगी तो हम लोग 206 बोन्स को तोड़ पाएंगे। चलो यार तो अब हम लोग एकदम यहाँ से कूदने वाले हैं और भाई इस बार तो मेरे ख्याल से यार हमारी सारी बोन्स टूट जानी चाहिए। और भाई ये देखो यार फ्रैंकलिन भी बोल रहा होगा कि क्या करवा रहे हैं। तो चलो यार हम लोग जल्दी से यहाँ से कूदते हैं और भाई यार रुको मैं तुम्हें इधर से नज़ारा दिखाता हूँ फर्स्ट पर्सन में। और भाई यार कितना खतरनाक व्यू है यार। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि मुझे जो है नीचे का सरफेस भी दिखाई दे रहा है। तो भाई हम लोग जो है बस जमीन से टकराने वाले हैं। और भाई साहब ये देखो यार 200 बोन्स हमने तोड़ दिए हैं फ्रैंकलिन के, लेकिन भाई अभी भी फ्रैंकलिन का 6 बोन्स बचा हुआ है सही सलामत। तो भाई हमें उसे भी तोड़ना है। और भाई ये देखो यार मैं कैसा अचानक से एक एरोप्लेन में बैठ चुका हूँ और भाई मेरे ख्याल से यार हमारी जो है उस वाली बिल्डिंग से भी ऊंची बिल्डिंग अनलॉक हो गई है और भाई शायद से अब हम लोग उसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। और भाई ये देखो यार उस एरोप्लेन ने तो मुझे पता नहीं कैसी जगह पे ला दिया है यार। और भाई ये कैसा जमीन है यार और चारों तरफ कैसा काला काला दिख रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ भाई साहब ये देखो यार ये तो अपना अर्थ है यार, मतलब कि भाई हम लोग स्पेस में आ चुके हैं। वो देखो यार उधर के तरफ सन है और ये अर्थ है यार, मतलब कि भाई हम लोग यहाँ इस समय स्पेस में हैं। और भाई हम लोग अगर यहाँ से गिर जाएं तब तो भाई हमारी सारी की सारी 206 बोन्स टूट जाएंगी। तो भाई ये तो करने में काफी मजा आएगा यार। तो चलो अब हम लोग फाइनली अपनी सारी की सारी बोन्स को तोड़ते हैं। तो चलो यहाँ से कूदते हैं, 3, 2, 1 और चलो चलते हैं। और भाई हम लोग जो है बिल्कुल भी पैराशूट का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो फ्रैंकलिन ने पैराशूट को छोड़ दिया है और भाई साहब यार हम लोग जो है अर्थ के नीचे जा रहे हैं। और भाई साहब यार ऊपर से तो अर्थ एकदम अजीब ही लग रहा है यार और उधर के तरफ हमारा सन है। तो चलो हम लोग जल्दी जल्दी अर्थ के तरफ चलते हैं। और भाई साहब यार हमारा तो सारा हड्डी टूट जाएगा यार। और भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि हम लोग जो है एक टाइमर सेट कर देते हैं और भाई देखते हैं कि स्पेस से अर्थ तक जाने में कितना टाइम लगता है। और भाई ये देखो यार हम लोग जो है अर्थ के एटमोसफेयर में आ चुके हैं और भाई अभी तक हमें 45 मिनट्स हो चुके हैं। और भाई मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा यार फ्रैंकलिन की सारी हड्डियां तोड़ने में। तो चलो देखते हैं कि और कितना टाइम लगता है एकदम नीचे तक जाने में। ओके तो अब जो है 1 आवर और 20 मिनट्स हो चुके हैं और भाई मेरे ख्याल से यार अब हम लोग कुछ ही देर में जमीन से टकराने वाले हैं। भाई बस कुछ देर और अब फ्रैंकलिन की सारी बोन्स टूटने वाली हैं और भाई हम लोग बस जमीन से टकराने वाले हैं यार। ओ नहीं भाई। और भाई ये देखो यार हमने फाइनली कर ही दिया, भाई हमने फाइनली फ्रैंकलिन के 206 बोन्स को तोड़ दिया है। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि फ्रैंकलिन अब चलने के लायक भी नहीं है और भाई ये फ्रैंकलिन का क्या हाल हो गया यार। तो चलो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था, तुम्हें आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम्हें इसका सेकंड पार्ट चाहिए हो तो इस वीडियो पे 5000 लाइक्स कर देना। मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय एंड जय हिंद।